हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ सुधा डबराल, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन सीखने वाले हैं। मेरी लास्ट टू वीडियोस इंटीजर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, जिसमें हमने इंटीजर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, और सेकंड वीडियो मेरी कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स पर बेस्ड थी। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वो दो वीडियोस देखी हैं तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। क्लियर बच्चों? चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। मैंने आपको इंटीजर्स नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सिखाया था, वो भी मेरी लास्ट टू वीडियोस में ही है। ओके, तो उसमें मैंने आपको नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं, वो सिखाया था। ओके, अब हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स सीखने वाले हैं नंबर लाइन पर। तो कैसे, मान लीजिए मेरे पास 5 + 2 है। 5 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। हम इसको नंबर लाइन में कैसे ऐड करेंगे, देखिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 0 राइट साइड पर, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब मुझे इस नंबर लाइन में 5 + 2, जो कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है, इनको ऐड करना है नंबर लाइन में। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास पॉजिटिव 5, स्टार्टिंग 0 से करेंगे और हम सीधे जंप करेंगे 5 पर, वो भी राइट साइड, क्योंकि राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्लियर बच्चों? मैंने 0 से 5 पे जंप करूँगी और मेरे पास आ गया 5। क्लियर? पॉजिटिव नंबर था इसलिए पॉजिटिव साइड गया, राइट साइड में गया। अब सेकंड क्या है इंटीजर, वो है पॉजिटिव 2। ओके, अब मुझे 5 में ऐड करना है 2 को। कैसे ऐड करेंगे, 2 ऐड करना है, 1, 2, कैसे 1, 2। ओके, तो अब क्या आया, 0 से 5 पर जंप किया, क्योंकि पहला इंटीजर 5 था, उसमें 2 ऐड करना था, 1, 2, हमारे पास क्या इंटीजर आया, 7। ओके, 5 में हमने 2 ऐड किया, हमारे पास आया 7। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा, जब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनको कैसे मैंने ऐड किया। ओके, चलिए अब हम ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर को, ऐड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से। यहाँ हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, 3 को ऐड करना है -2 से। ओके, 3 पॉजिटिव इंटीजर है और 2 हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर बच्चों? हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 3 पर जंप करेंगे, और 3 हमारा पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम राइट साइड में जाएंगे, 0 से हम 3 पर जंप करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब हमें ऐड करना है -2। तो बच्चों हमें ऐड तो करना है लेकिन -2 ऐड करना है। ओके, और -2 हमें कहाँ मिलेगा, इस तरफ। -2 कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ओके बच्चों, तो हम लेफ्ट साइड आएंगे और कितना, 2 - 2 हम जंप करेंगे, यानी -2। तो कैसे जंप करेंगे, देखो 1 और 2। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 1 आया। ओके, इसका आंसर आया 1। आप बच्चों को यहाँ पे क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, एनी डाउट? नो मैम। क्लियर। एक एग्जांपल और, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो लेट्स गो विद नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मेरे पास है 5 + -7। 5 + -7 इसको ऐड करना है, 5 को ऐड करना है -7 से। मैंने यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव 5 है और एक -7 है, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ओके, ये पॉजिटिव 5 है जो कि राइट साइड में होता है नंबर लाइन की, ठीक है। तो मैं 0 से पहले सीधे 5 पर जंप करूँगी, यहाँ पे 5 आ गया। अब मुझे ऐड करना है -7।
नेगेटिव सेवन नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आता है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ से सेवन काउंट करूँगी, ओके, और वो भी लेफ्ट साइड। हाँ, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया -2। आपको बच्चों समझ में आया? पहले हम कहाँ पे जाएंगे, 5 में, 0 से मैंने 5 पर जंप किया, और उसके बाद मुझे ऐड करना था -7, और -7 ऐड करने के लिए ये नेगेटिव होने के कारण मुझे किस साइड आना पड़ेगा, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड, और मैंने फिर जंप करूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आंसर आ गया मेरे पास -2। तो आप सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, कितना इजी था? हम और भी एग्जांपल्स करते हैं इसके साथ। चलिए, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अब मेरे पास जो इंटीजर्स हैं -4 है, उसको ऐड करना है -3 से। यहाँ पे दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, अब मुझे इन दोनों को ऐड भी करना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, मेरे पास यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं और मुझे उन्हें ऐड करना है। ओके बच्चों, अब कैसे ऐड करेंगे? देखो, ये है -4, और -4 क्या होता है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होता है। मैं यहाँ 0 से सीधे -4 पर जंप करूँगी। ओके, अब -4 पे मैंने जंप तो कर दिया, अब मुझे ऐड करना है -3। -3 नंबर लाइन के ही लेफ्ट साइड में होगा, ओके, क्योंकि वो भी नेगेटिव है। तो यानी कि मुझे ऐड करने के लिए मैं 3 नंबर्स जंप करूँगी। कैसे? 1, 2 एंड 3, ओके। कितना आंसर आया? -7। क्लियर बच्चों? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना? -2 + -2 में -2 ऐड करना है। ओके बच्चों, देखो कैसे करेंगे, घबराओ मत, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, ओके। पहला इंटीजर है -2, हम 0 से -2 पे जंप करेंगे, -2 हो गया। अब मुझे ऐड करना है -2। -2 नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होता है, तो हम -2 को ऐड करना है, इस वाले -2 को हमें इस पर ऐड करना है। यानी कि हम -2 को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1, 2 नंबर जंप करना पड़ेगा, और हम कहाँ पे पहुँचे, -4 पर पहुँच के हमारा आंसर आ गया -4। सी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, और इसी तरह से नंबर लाइन में हमें एडिशन करना सीखा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, क्लियर। 3 को ऐड करना है -3 से, 3 को ऐड करना है -3 से, ओके। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, मेरे पास यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ओके। सबसे पहला इंटीजर क्या है, 3, ओके, वो भी पॉजिटिव का है, और ये नंबर लाइन के राइट साइड होता है। तो मैं 0 से 3 पर जंप करूँगी, ओके, पॉजिटिव 3। अब उसके बाद मुझे ऐड करना है -3। -3 नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होता है, इसका मतलब मुझे -3 लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। मैं कैसे आऊंगी, देखो, 1, 2, 3, यानी कि मैं किस पे आई, 0 पे आई,
किस पर आई, जीरो पर, यानी कि पॉजिटिव थ्री को नेगेटिव थ्री से ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा जीरो। ओके बच्चों, देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चन थे और इतना इजी था, है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमारे पास थ्री इंटीजर्स होंगे और हमें उन्हें ऐड करना है। अभी तक हमने टू इंटीजर्स को ही के एग्जांपल्स करे, अब हम थ्री इंटीजर्स को लेकर एग्जांपल करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं जिसमें हमें थ्री इंटीजर्स गिवन होंगे। एक ले लीजिए पॉजिटिव टू, अगर चाहो चलो नेगेटिव टू ले लो कोई बात नहीं, प्लस ऐड करना है पॉजिटिव थ्री, प्लस ऐड करना है माइनस फोर को। ओके, अब यहाँ पे मैं थ्री डिजिट के किए हैं, चलिए करते हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, मुझे यहाँ पे थ्री इंटीजर्स गिवन है और इन थ्री इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है। और इन थ्री इंटीजर्स को ऐड करने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो माइनस टू है, फिर पॉजिटिव थ्री है और माइनस थ्री है, इनको कैसे ऐड किया जाएगा। देखो माइनस टू ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड होता है, तो मैं जीरो से सीधे माइनस टू पर जंप करूँगी। क्लियर बच्चों? ओके, उसके बाद मुझे ऐड करना है थ्री, थ्री यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि मुझे नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड, सॉरी राइट साइड जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स तो इस तरफ होते हैं। ओके, मैं जीरो माइनस टू से मैं थ्री नंबर आगे जाऊंगी, तो कैसे वन टू थ्री मैं यहाँ तक पहुँच गई। फिर मुझे बोला गया है ऐड करना है माइनस फोर, और माइनस फोर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड नंबर लाइन के, अब मुझे माइनस फोर जंप करना है, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगी, देखो वन टू थ्री और फोर, देखो वन यहाँ पर थी मैं, अब मैं वन टू थ्री फोर, यानी कि मैं अब कहाँ पे आ जाऊँगी, सीधे पे आ गई, तो मेरा आंसर कितना आया है माइनस थ्री। ओके क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से हमने थ्री इंटीजर्स को भी आपस में ऐड करना सीख लिया। इस तरह से मैंने एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन पर बेस्ड होगी। ओके बच्चों, इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।